हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर में। आज हम सीखेंगे ई इनवाइजिंग गवर्नमेंट पोर्टल पर जाकर हम कैसे जीएसपी यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर में आप ऑटो ई इनवाइजिंग जनरेट करना चाहते हैं तो आपको जीएसपी यूज़र नेम और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। ध्यान रहे, ये उस यूज़र नेम और पासवर्ड से अलग है जो आप गवर्नमेंट पोर्टल पर लॉगिन करते वक्त डालते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम अपना जीएसपी यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आपको जाना है einvoice1.gst.gov.in पर। वहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है और अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालने के बाद फिर कैप्चर पर क्लिक करके एंटर करके लॉगिन करना है। देन उसके बाद आपको ओटीपी आएगा, ओटीपी रजिस्टर करना है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे एपीआई रजिस्ट्रेशन ऑप्शंस पर क्लिक करें और ड्रॉप डाउन से यूज़र मैनेजमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करें। देन क्रिएट एपीआई यूज़र पर जाएं। उसके बाद रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा, ओटीपी एंटर करें। अब आप एपीआई रजिस्ट्रेशन पेज पर पहुंच जाएंगे जहां पर आप थ्रू जीएसपी पर क्लिक करें। सेलेक्ट योर जीएसपी के ड्रॉप डाउन से मास्टर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को सेलेक्ट करें। याद रहे, आपको यही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर अपना यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट करें और उसे री एंटर करके सबमिट बटन पर क्लिक करें। अब आप देख सकते हैं कि आपका जीएसपी यूज़र नेम और पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। आप हाईटेक सॉफ्टवेयर में एपीआई यूज़र नेम और पासवर्ड का उपयोग करके ई इनवाइजिंग बना सकते हैं। अगर आपने ईवे बिल सिस्टम के लिए पहले एपीआई जीएसपी यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट कर चुके हैं तो सेम यूज़र नेम एंड पासवर्ड ई इनवाइजिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। जीएसपी क्रिएट होने के बाद अब इसे हाईटेक सॉफ्टवेयर में सेटिंग्स में ट्रांजेक्शन के अंदर ई इनवाइजिंग के जीएसपी में जाकर यूज़र नेम पासवर्ड डालकर इसे लॉगिन कर सकते हैं। यदि आप ईबे बिल पोर्टल या ई इनवाइजिंग पोर्टल पर यूज़र नेम और पासवर्ड बदलते हैं तो ऑनलाइन सर्विस को जारी रखने के लिए न्यू क्रेडेंशियल को हाईटेक सॉफ्टवेयर में अपडेट करना अनिवार्य है। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे जीएसपी यूज़र नेम पासवर्ड कैसे क्रिएट किया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।